हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग बात करेंगे बच्चों। मैं टूर करवाने वाली हूँ आपका फेवरेट कॉलेज, ऑब्वियसली नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली का। बहुत सारे बच्चों का एम रहता है कि हमें एलेट क्वालिफाई करना है, हमें एनएलयू दिल्ली में एडमिशन लेना है, राइट? तो बच्चों के मन में ये भी बहुत उत्सुकता रहती होगी कि हमारा कॉलेज कैसा होगा, मतलब जहाँ हमें पढ़ना है वहाँ क्या क्या फैसिलिटीज़ है, किस तरीके से एग्ज़ाम क्वालिफाई करके हमें जाना चाहिए। सो आज सब कुछ डिस्कस करेंगे यहाँ पे। होप सो आपको विजिबल होगा। सबसे पहले तो आपको मैंने शो करा है आपके यूनिवर्सिटी का फोटो, राइट? नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली, ये रहा कुछ इस तरीके का है। इसके अलावा मैंने एक और फोटो शेयर करा है जिसका व्यू पूरा कंप्लीट, मतलब एग्जैक्टली कंप्लीट व्यू है आपके एनएलयू दिल्ली का, राइट? सो आइए इसमें देखते हैं कि कौन सा पेपर हमें देना होता है, कितने सारे सीट्स हैं, क्या क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, इसके बाद प्लेसमेंट कैसा है, ये सारा कुछ डिस्कस करेंगे। ओके, सो सबसे पहले बच्चों आप देख सकते हो अबाउट एनएलयू दिल्ली, राइट? अगर आप एनएलयू दिल्ली को देखते हो, ध्यान से देखना, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है जो न्यू दिल्ली वो, ये इस्टेब्लिश हुआ है बच्चों 2008 में, ठीक है? तो इट मीन्स कि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं जो पास आउट भी हो चुके होंगे, जिनका बीएलएल भी कंप्लीट हो गया होगा, राइट? सो द यूनिवर्सिटी ऑफर्स अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डॉक्टरल प्रोग्राम, एनएलयू दिल्ली एडमिशन। एग्जैक्टली एनएलयू दिल्ली में एडमिशन होता है। आप क्या क्या कर सकते हो, यूजी कर सकते हो, पीजी कर सकते हो, इसके अलावा पीएचडी भी कर सकते हो, राइट? और पीएचडी प्रोग्राम्स भी यहाँ पे अवेलेबल है, गॉट इट? सो एग्जैक्टली आपको पता होना चाहिए बच्चों कि यहाँ पे डिजिटल क्लासरूम भी है ना? यहाँ पे डिजिटल क्लासरूम्स भी है। जस्ट वेट, सेलेक्ट करने दो। हाँ, यहाँ पे देखो मैंने कुछ मेंशन करा है, जैसे देखो कैंटीन्स है, डिजिटल क्लासरूम्स है, लाइब्रेरी है, सेंट्रल लाइब्रेरी, कंप्यूटर सेंटर। मैं एक एक करके आपको पूरा विजिट करवाऊंगी और सारे कैसा है एग्जैक्टली विद फोटो मैं आपको दिखलाऊंगी। ई मूड कोर्ट हॉल है, हॉल है, हॉस्टल्स है, मेडिकल फैसिलिटी है, और भी बहुत सारे फैसिलिटीज़ हैं बच्चों। अब जैसे बहुत सारे बच्चों को ये भी पता होगा कि सारे एनएलयू में जो एडमिशन होता है वो एग्जैक्टली एडमिशन किस तरीके से होता है। ऑब्वियसली आपको क्लैट क्वालिफाई करना होता है, लेकिन यहाँ पे एनएलयू दिल्ली के लिए आपको एक लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना है जिसका नाम है एलेट। इट मीन्स ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन, मतलब टेस्ट, राइट? जो कि कंडक्ट करवाया जाता है इसी यूनिवर्सिटी के द्वारा। द मेटोरियस एंड नीडी स्टूडेंट एट एनएलयू दिल्ली आर गिवन फाइनेंशियल एड इन द फॉर्म ऑफ वेरियस स्कॉलरशिप सो दे कैन परस्यू देयर एजुकेशन एंड करियर विदाउट एनी लिमिटेशन और बैरियर, राइट? सो मतलब इट मीन्स कि यहाँ पे स्कॉलरशिप की भी फैसिलिटी आपको अवेलेबल है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए बच्चों कि ये फेमस नेशनल लॉ स्कूल्स है, ऑब्वियसली सभी को पता होगा। इसकी जो रैंकिंग रही है 2022 और इवन 21 में भी सेकेंड पोजिशन रही है बच्चों फॉर लॉ लॉ। एंड एनएलयू दिल्ली कोर्सेज आर ऑफर्ड टू मोर देन 100 स्टूडेंट, करीब 140 सीट्स होती है बच्चों। कितनी? 140 सीट्स होते हैं एवरी ईयर एट अंडर ग्रेजुएट एज वेल एज पोस्ट ग्रेजुएट लेवल। आपको ये भी पता होना चाहिए बच्चों कि यहाँ पे एनएलयू दिल्ली में दो मतलब टू स्टोरी लाइब्रेरी है, कंप्यूटर सेंटर है, ऑडिटोरियम है, स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटीज़ है, 4 सेमिनार रूम्स है, हॉस्टल्स है दोनों जेंडर्स के लिए, ऑब्वियसली मेल और फीमेल दोनों के लिए, मेडिकल फैसिलिटी भी है, एम्बुलेंस भी है, स्पोर्ट्स बैंक, कैंटीन, मेस, डिजिटल क्लासरूम, जितनी फैसिलिटी है वो सब अवेलेबल है बच्चों। सो एनएलयू दिल्ली प्लेसमेंट रिकॉर्ड जो है वो काफ़ी अच्छा है, विद अ मीडियन सैलरी पैकेज ऑफ 7 लाख पर एनम। मतलब एटलीस्ट मतलब जो एवरेज आप पैकेज देखोगे तो 7 लाख पर एनम का इसका पैकेज भी है। सो देर आर वेरियस एलुमनी इन इंडिया, देर आर विच आर प्लेस्ड इन डिफरेंट एरियाज, दैट इज 24 स्टूडेंट आर अपॉइंटेड इन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड 14 आर इन न्यू दिल्ली हाई कोर्ट एंड 16 आर इन सेंटर ऑफ कम्युनिकेशन गवर्नेंस, राइट? सो आगे और भी इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। अब देखो बच्चों एलेट का पेपर जो होता है, अब ऑब्वियसली आपको एनएलयू दिल्ली में एडमिशन लेना है तो एग्जैक्टली एलेट का पेपर कैसा होगा। सो टोटल मार्क्स 150 है, राइट? टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 है एंड ड्यूरेशन ऑफ द एग्जामिनेशन 1 आवर 30 मिनट्स का होता है। आपको जैसा पता है थोड़ा सा क्लैट का पैटर्न का मतलब नहीं होता है एग्जैक्टली मैं बोलूँ, क्योंकि इसमें वन लाइनर के क्वेश्चंस होते हैं, पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस नहीं होते हैं। आपको पता होना चाहिए कि करंट अफेयर्स, जनरल साइंस, जनरल नॉलेज ये 35 मार्क्स का होता है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, मतलब ये सब मिला के 35 मार्क्स का होता है बच्चों। इंग्लिश भी 35 मार्क्स का होता है। लीगल एप्टीट्यूड 35 मार्क्स के होते हैं। रीजनिंग 35 मार्क्स का होता है। अभी इन्होंने
मैथ्स को हटा दिया है, राइट, मैथ्स को सिलेबस से हटा दिया है, तो अभी आपको मैथ्स देने की जरूरत नहीं है, गॉट इट। अब देखो एनएलयू दिल्ली की रैंकिंग की बात कर रहे थे हम लोग, आप देख सकते हो सेकेंड पोजिशन है लॉ कैटेगरी इन इंडिया बाई NIRF रैंकिंग 2022। आपको ये भी पता होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द सर्वे कंडक्टेड बाई यूनिरैंक 2021, एनएलयू दिल्ली हैज़ बीन रैंक एट 144th पोजिशन इन इंडिया एंड 5611 पोजिशन इन द वर्ल्ड। सो एनएलयू दिल्ली हैज़ बीन प्लेस्ड एट 14th पोजिशन अमंग 24 अदर यूनिवर्सिटीज ऑफ दिल्ली एंड 2444th पोजिशन अमंग 5833 यूनिवर्सिटी इन एशिया, राइट। कुछ आप देख सकते हो बच्चों कि कोर्स डिटेल भी क्या होती है, ड्यूरेशन 5 ईयर्स का है, फीस जो है अप्रॉक्स 1.38 लाख पर ईयर है, स्पेशलाइजेशन इसकी इनकी लॉ एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए बच्चों, द कैंडिडेट मस्ट हैव कंप्लीटेड 10+2 बोर्ड लॉ लेवल एग्जामिनेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज बोर्ड एंड मस्ट हैव स्कोर्ड एटलीस्ट 50% मार्क्स, आपको एटलीस्ट चाहिए ही चाहिए 12th में अगर आप अपियरिंग हो तो भी, मतलब ये कोशिश करना कि क्योंकि ऑब्वियसली अब तो पेपर दिसंबर में हो जाता है, उसके बाद आपके बोर्ड्स होते हैं तो आप अपियरिंग करके भी डाल सकते हो, लेकिन आपको एटलीस्ट आपके 12th में 50% मार्क्स होने चाहिए। द सिलेक्शन इज डन ऑन द बेसिस ऑफ स्कोर अचीव्ड इन एलेट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, राइट। सो एलएलएम के लिए भी आप देख सकते हो मैंने मेंशन कर रखा है। सो ये सर्टिफिकेट है जो उन्हें मिला है 2022 में नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF के द्वारा, और इंडियाज रैंकिंग 2022 एनएलयू दिल्ली डज इट अगेन 5 कॉन्सिक्यूटिव ईयर इन अ रो सेकेंड रैंक, राइट। ओके सो आप देख सकते हो उनकी फैसिलिटीज़ क्या क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देख सकते हो बच्चों की एकेडमिक अमेनिटीज़ है ये। सो द यूनिवर्सिटी हैज़ द लेटेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर रिसोर्सेज टू फुलफिल द सपोर्ट ऑल एकेडमिक एज वेल एज रेसिडेंशियल नीड ऑफ आवर स्टूडेंट। ऑब्वियसली ये अपग्रेड रखते हैं अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को सो दैट आवर जो स्टूडेंट हैं उनको बेस्ट रिसोर्सेज मिल पाए और फुल डेवलपमेंट के साथ, गॉट इट। सो इसके अलावा आप ये भी देख सकते हो रिसर्च सेंटर है यहाँ पे, द यूनिवर्सिटी हैज़ मेनी इलस्ट्रियस रिसर्च सेंटर जो कि इस्टेब्लिश हुआ है बच्चों, और आपको पता होना चाहिए यहाँ पे करंटली देयर आर ओवर 20 एक्टिव रिसर्च सेंटर एट NLU दिल्ली, गॉट इट। इसके अलावा आप देख सकते हो बच्चों रिसर्च सेंटर के अलावा लाइब्रेरी है, काफ़ी अच्छी 2-स्टोरी लाइब्रेरी है, मतलब आपने देखा है ये वाला एक एक ग्राउंड फ्लोर पे और एक फर्स्ट फ्लोर पे भी लाइब्रेरी है, ठीक है। सो द यूनिवर्सिटी हैज द लेटेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर रिसोर्सेज टू फुलफिल एंड सपोर्ट ऑल एकेडमिक एज वेल एज रेसिडेंशियल नीड्स ऑफ आवर स्टूडेंट। सो आपको पता होना चाहिए कि इस लाइब्रेरी का नाम जस्टिस TPS चावला लाइब्रेरी है, राइट। और ये आपको पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली NLU दिल्ली लाइब्रेरी हैज बिन नेम्ड आफ्टर द ऑनरेबल चीफ जस्टिस तजेंद्र पाल सिंह चावला, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट, जिन ऑब्वियसली डेट ऑफ बर्थ भी मेंशन करा है, इनके नाम पे ये लाइब्रेरी का नाम रखा गया है, होप्स आपको विजिबल होगा। और करीब आपको लाइब्रेरी के पूरे डिटेल्स मैंने दिए हैं, ई बुक्स भी अवेलेबल है, 15,000 से ज़्यादा बुक्स है, ई जर्नल्स है, 23 कॉम्प्रिहेंसिव इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस है बच्चों, ये सब कुछ अवेलेबल है आपको यहाँ पे, आप अगर आपके आपको NLU दिल्ली जाना है तो ये सारी फैसिलिटीज भी आपको मिलेगी, गॉट इट। सो आप देख सकते हो ई मूड कोर्ट है, होप सो आपको विजिबल होगा, ये मूड कोर्ट है यहाँ पे। सो इसके अलावा और भी बहुत सारे फोटोज मैंने आपके सामने रखे हैं यहाँ पे, ये पैनल डिस्कशन है और बुक लॉन्च ऑफ प्रोफेसर बीवे बंदे क्रिमिनल लॉ एंड क्रिमिनल जस्टिस एट NLU दिल्ली ऑडिटोरियम, मतलब दिस इज द फोटो ऑफ ऑडिटोरियम, राइट। सो इसके अलावा आप देख सकते हो बच्चों ये डिजिटल क्लासरूम है, गॉट इट, ये डिजिटल क्लासरूम की फोटो लगा रखी है मैंने, ऑडिटोरियम फैसिलिटी भी है, सेमिनार रूम्स भी है, इंटरनेट एंड कंप्यूटर सेंटर्स भी है, ई मूड कोर्ट हॉल भी है, सभी कुछ अवेलेबल है आपके लिए यहाँ पे, गॉट इट, सो आपको विजिबल होगा। सो इसके अलावा आप देख सकते हो बच्चों रेसिडेंशियल एमिनिटीज, इट मीन्स आपके हॉस्टल्स और आप कहाँ रहोगे रेसिडेंस, राइट। सो द यूनिवर्सिटी हैज अ स्प्रॉलिंग कैंपस एट द्वारका विद स्टेट ऑफ आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी जो कंजिस्ट करता है एकेडमिक ब्लॉक, मतलब 5 फ्लोर का, सेपरेट हॉल है रेसिडेंस का बॉयज के लिए, गर्ल्स के लिए 6 फ्लोर का, एंड इंडिपेंडेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक भी है बच्चों, अ फुली एयर कंडीशनर ऑडिटोरियम फॉर होल्डिंग कॉन्फ्रेंस एंड सेमिनार्स, राइट। सो ये हॉल ऑफ रेसिडेंस बोलते हैं इसे, होप सो आपको विजिबल होगा, ये सारे हॉस्टल्स, गॉट इट। हाँ यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटी है आप देख सकते हो, गेम्स भी है लाइक TT एंड अ पुल, अ कॉमन टेलीविजन, अ स्टेट ऑफ आर्ट जिम्नाजियम, और पता होना चाहिए कि यहाँ पे एक चीफ वार्डन भी है, उनका भी रेजिडेंट है ये
यहाँ पे वार्डन और असिस्टेंट वार्डन जो आपको बिल्कुल आपकी देखभाल करेंगे. एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज भी प्रोवाइड की जाती है. द यूनिवर्सिटी ऑल्सो हैव टू कार्स एंड अ बस विच इज़ यूज फॉर स्टूडेंट एक्टिविटीज सच एज कोर्ट विजिट, लीगल एड प्रोग्राम, क्लिनिक्स क्लिनिक्स राइट. एंड आपको पता होना चाहिए द यूनिवर्सिटी इज़ वेरी वेल कनेक्टेड थ्रू मेट्रो रेल एंड DTC बस सर्विस. गॉट इट? सो मेडिकल सेंटर और एम्बुलेंस की फैसिलिटीज भी है, बैंक की भी फैसिलिटीज है, और स्पोर्ट्स एंड गेम्स भी आप देख सकते हो. बास्केटबॉल कोर्ट है, वॉलीबॉल कोर्ट है, एंड अ बैडमिंटन कोर्ट, सेपरेट जिमनाजियम फॉर बॉयज एंड गर्ल्स, एंड इट इज अवेलेबल इन देयर रिस्पेक्टिव हॉल्स ऑफ रेसिडेंस इक्विप्ड विद लेटेस्ट इक्विपमेंट. हाँ, और मोस्ट इंटरेस्टिंग, बहुत सारे बच्चों को ये भी जानना होता है कि क्या यहाँ पे जिम है. ऑब्वियसली ये देखो, कुछ जिम के फोटोज डाले हैं मैंने, सो होप सो आपको विजिबल होगा. गॉट इट? सो इसके अलावा आप देखो, पता होना चाहिए कि जो योर दोस्त करके इमोशनल वेलनेस फॉर एवरीवन, मतलब एग्जैक्टली ये है क्या, मैं बताती हूँ आपको. NLU दिल्ली ने एक पार्टनरशिप करा है योर दोस्त, एक एग्जैक्टली यहाँ पे काउंसलिंग होती है इमोशनल सपोर्ट के लिए. टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है ये, डिजाइन टू फोस्टर मेंटल हेल्थ. इट एनोनिमसली कनेक्ट इंडिविजुअल विद द राइट एक्सपर्ट कंसिस्टिंग ऑफ साइकोलॉजिस्ट, साइकोथेरेपिस्ट और काउंसलर लाइक कोचेस, कैरियर काउंसलर. सो ये आपको एग्जैक्टली प्रोवाइड करती है काउंसलिंग हर तरीके से. सो NLU दिल्ली विल हेल्प मैनेज द वेल बींग ऑफ कैंपस कम्युनिटी थ्रू दिस प्लेटफॉर्म. सो आपको पता होना चाहिए कि NLU दिल्ली में हर एक फैसिलिटी अवेलेबल है जो हर एक बच्चों को मतलब ऑब्वियसली जिसमें इंटरेस्ट है, जो चाहते हैं कि उनके कॉलेजेस में ये सारी फैसिलिटीज हो. गॉट इट? सो आपको अब मैं बता दूँ प्लेसमेंट के लिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे चाहते हैं कि मैम प्लेसमेंट है कि नहीं वहाँ पे, वो देखना. ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल ऑफ NLU दिल्ली हैज़ अ फैंटेस्टिक प्लेसमेंट परसेंटेज रिकॉर्ड ऑफ 100% विद अ हाईएस्ट पैकेज ऑफ 15 लाख पर एनम. आउट ऑफ 41 स्टूडेंट इन NLU प्लेसमेंट प्रोग्राम, 20 स्टूडेंट्स आर रिक्रूटेड इन इंडियन लॉ फर्म्स, वेयर एज 4 स्टूडेंट आर रिक्रूटेड इन इंटरनेशनल लॉ फर्म, एंड 13 ग्रेजुएट रिक्रूटेड इन कॉर्पोरेट फर्म, एंड रिमेनिंग 4 इन द पब्लिक सेक्टर. सो कुछ ऑब्वियसली नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की जो प्लेसमेंट है वो कुछ मेंशन करा है मैंने कंपनी के नाम. इट्स फ्री लीगल खैतान एंड कंपनी एंड AZB एंड पार्टनर्स OYO LNL पार्टनर्स, सिरिल अमरचंद मंगलदास, SNR एसोसिएट्स, तलवर चकोरे एंड एसोसिएट्स, और P&A लॉ ऑफिसर. ओके, सो ये सारे कंपनीज हैं जिनके साथ जिन जहाँ प्लेसमेंट है NLU दिल्ली का, बहुत सारे बच्चों का प्लेसमेंट हुआ है. सो आपको पता होना चाहिए कि इसकी स्कॉलरशिप की फैसिलिटी क्या है, ये भी देख लेते हैं बच्चों. सो अंडर द सेंट्रल सेंटर स्कॉलरशिप स्कीम देर आर 5 स्कॉलरशिप अवॉर्डेड टू द स्टूडेंट ऑफ SC कैटेगरी, एंड दिस स्कीम कवर ट्यूशन फी, बोर्डिंग, लॉजिंग चार्जेस, बुक्स, स्टेशनरी एक्सपेंसेस, एंड 1 कंप्यूटर सिस्टम फॉर एलिजिबल स्टूडेंट ऑफ SC कैटेगरी. So besides this, the government of NCT of Delhi has also approved of providing post-matric scholarship to the needy and meritorious student. So Vice Chancellor and NLU Delhi के जो हैं वो provide करते हैं financial assistance in the form of free waiver and concession to the deserving and needy students. Got it? So ये सारी facilities है बच्चों NLU Delhi के बारे में, and hope so आपको पसंद आई होगी. मैंने अप्रॉक्स A to Z सब कुछ बता दिया. अगर कुछ भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं कि मैम, और अगर आपके मन में NLU Delhi को लेके कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो यू कैन कमेंट ऑन कमेंट बॉक्स. राइट? सो थैंक यू सो मच, होप सो आपको पसंद आया होगा वीडियो. सो बाय बच्चों, टेक केयर.